20 महीने पहले अलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की शुरुआत हुई और शुरुआती टाइम से ही झारखंड का पूरा सहयोग रहा, यानी जून में कंपनी की शुरुआत रही और जुलाई में ही यहाँ पे 22 जुलाई को ही एक अच्छा प्रोग्राम हुआ और उसी दिन से पारस जी, फारूक जी, राजेश जी, सभी सीनियर लीडर्स जो आज आपने देखा कि अच्छे लेवल्स पे हैं, इन्होंने उस समय शुरुआत की। और मतलब मैं इनको लीडर भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये इन्होंने जितना भी अभी शुरुआत से लेकर अब तक जो काम किया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पास शुरुआती टाइम पे लीडर आए, मैं कहूंगा कि हमारे साथ ऐसे परिवार के सदस्य आए कि उनको हम लीडर नहीं समझ सकते, हमारे परिवार के वो सदस्य ही हैं और भाई की तरह एक अपनत्व दिखाया उन लोगों ने और जी और जान से एक साथ खड़े रहे और इन 20 महीने के सफर में रियल में झारखंड का जो योगदान रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन रहा है। अलेक्स के लिए पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस की शुरुआत की है और अगले 18 महीने में जो हमारे साथ फर्स्ट 18 महीने में जो लीडर जो लोग हमारे साथ आए, जो इस परिवार के हिस्सा बने, उनको अगले 18 महीने में अचीवमेंट दिलवानी है, उनको कामयाब करना है। हो सकता है कि आज से पहले काफी, जैसे पीपी चौधरी जी बोल रहे थे कि मैंने अलग अलग नेटवर्किंग कंपनियों में काम किया, काफी लीडर्स आए हैं, उन्होंने बोला कि मैंने उस कंपनी में काम किया, मैंने इस कंपनी में काम किया, कुछ असफल भी रहे, कुछ सफल भी रहे हैं, लेकिन मैं आप पे विश्वास दिलाता हूं कि अलेक्स परिवार के साथ आपको कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ताली हम लास्ट में बजाएंगे। यहाँ पे जब परिवार की तरह जहां काम होता है, मैं इनको देख के दिल ही दिल मुस्कुराता रहता हूँ, क्योंकि झारखंड में आने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है, दिल से अंदर से खुशी मिलती है। राजेश जी से मिलता हूँ, फारूक जी से मिलता हूँ, जो पारसनाथ जी की जितनी भी टीम, किसी भी लीडर से मिलता हूँ तो एक अंदर से मेरे को फीलिंग आती है कि ये बिल्कुल मेरा इससे ज्यादा करीबी कोई नहीं हो सकता, मतलब इससे ज्यादा और निकालेंगे। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से जैसे पिछले 19-20 महीने साथ दिया है, उसी तरीके से आने वाले अगर 15 से 20 महीने ही आपने दिल और दिमाग को एक साथ लेके एक मिशन की तरह, एक परिवार की तरह कि हाँ हमें कामयाब होना है और हमें लोगों को कामयाब करना है, क्योंकि यही हमारा मिशन है। जिस दिन कंपनी की शुरुआत हुई थी तो हमारा मिशन ये नहीं था कि हम लोगों को 5 करोड़ या 20 करोड़ रुपए महीना दिलाएंगे, लेकिन हमारा पहला मिशन ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला पाएंगे। जब लोग रोजगार ले पाएंगे तो वो अपने ड्रीम भी पूरे कर पाएंगे और इस मिशन में 100% हमें सफलता भी मिली। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब साइनिंग लेवल के लीडर्स यहाँ पे खड़े थे तो उनका किसी का पे आउट 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक उन लोगों ने पे आउट लिए हैं। अगर मैं बात करूँ कि शूटिंग स्टार की तो उन लोगों ने 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपए महीना कमाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमारे टॉप लेवल स्कॉर्पियो लेवल जो तो पारस जी यहाँ पे आपके स्टेट से स्कॉर्पियो स्टार है कंपनी के, तो उनका पे आउट 5,00,000, 6,00,000 रुपए महीना भी आया है। लेकिन 5 से 6 लाख महीना से ज्यादा पारस जी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने अपनी टीम में 10,000 से लेकर और 1,00,000 रुपए कमाने वालों की संख्या में रियल में सही मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है, बहुत ज्यादा इजाफा किया है, जिससे लोग अचीवर्स बन पाए हैं। आज इनकी टीम में जब इन्होंने शुरुआत की थी तो फारूक जी और पारसनाथ जी और राजेश जी, मैं कुछ लीडर से मुलाकात की थी मैंने 22 जुलाई को जो पहला प्रोग्राम था, लेकिन आप खुशी होती है कि हम कम से कम कितने अचीवर्स निकल चुके हैं। अगर ये अचीवर्स, इतने अचीवर अगले 15 से 20 महीने जिस तरीके से इन लोगों ने मिलके मिशन लेके काम किया, अगर इसी तरीके से अगले 15 से 20 महीने मिशन लेके काम किया तो मेरा कमिटमेंट अगर आज से 15 महीने बाद इसी हॉल में अगर प्रोग्राम करना पड़ जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अचीवर होंगे, कोई भी नया होगा। ज्यादा एजुकेशन देने की जरूरत नहीं, बंदा सही तरीके से काम करके 100% अपने सीनियर अपलाइन को फॉलो करके मात्र 6 महीने में 1,00,000 रुपए महीना कमा सकता है, मात्र 6 महीने में। ताली हम लास्ट में बजाएंगे, टाइम शॉर्ट है। हिंदुस्तान में जब भी कोई वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से, मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं, करते हैं नहीं करते जो उसके लिए एलिजिबल, क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। जरूरत क्या है पूरे हिंदुस्तान? अपना घर चलाने की। यस,
भैया अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है और उसमें सब लोग अप्लाई करते हैं, सब लोग आवेदन करते हैं, मैक्सिमम लोग जो उसके लिए एलिजिबल है, तो फिर क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो बेरोजगार, उनको ड्रीम की नहीं जरूरत, जो अपने घर को चलाने के लिए एक फंड की जरूरत होती है। बेरोजगार किसको कहते हैं? जिस बंदे के पास अपना घर चलाने के लिए एक इनकम जो होती है उसकी जरूरत हो और वो कमाने का उसके पास कोई साधन न हो, वो बेरोजगार। यहां यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। प्रोडक्ट बेचना, अर्ज ने बिल्कुल सही बताया था, हमारा बेचना मकसद नहीं है, हमारा खरीदारी, लोग खरीद सके, ऐसे प्रोडक्ट खरीद सके जो उनको रेगुलर चाहिए। और वही प्रोडक्ट लोगों को खरीदवा के अगर आपके घर में 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीना आता है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। आज कंपनी के पास 120 से ज्यादा प्रोडक्ट है, सेकेंड एनिवर्सरी तक हमारे पास ये प्रोडक्ट की श्रृंखला और भी बढ़ जाएगी, 180-200 के करीब हो जाएंगे। आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे जिसकी आपको रेगुलर यूज जरूरत होती है। एफएमसीजी के काफी प्रोडक्ट आने वाले हैं, पर्सनल काफी प्रोडक्ट ऐसे आने वाले हैं जो आपको रेगुलर चाहिए। हेल्थ के साथ साथ हमें रेगुलर प्रोडक्ट भी काफी प्रोडक्ट आने वाले हैं। पूरे इंडिया में काफी ADS, ATS, ARS, ZMM, ASM ये सब काफी इंडिया में खुल चुके हैं। जहां कंपनी की शुरुआत 18 महीने पहले हुई थी तो हजारों लीडर्स के साथ हुई थी, तो आज हजारों लीडर्स स्टेटवाइज हो चुके हैं। जहां हजारों लीडर्स से शुरुआत जयपुर में हुई थी, तो आज अगर हम बात करें तो काफी स्टेट ऐसे हमारे जहां पे हजारों लीडर्स हैं। इसका मतलब बिजनेस कितना कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका है, कई गुना अचीवर्स निकल चुके हैं। अभी हमें लोगों को आगे तक लेके जाना है और उन लोगों को एक आशा की किरण देनी है जो लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जाने अनजाने में किसी इन्वेस्टमेंट लाइन में किसी फ्रॉड कॉन्सेप्ट में काम करके थक चुके हैं, कर्जा करवा चुके हैं, उनके 100% निराशा हाथ लग चुकी है। उनके पास हमें पहुंचना है और बेरोजगार लोगों के पास हमें पहुंचना है, उनको एक रोजगार देना है। अगर आप लोगों ने ठान लिया कि हमें कामयाब होना है तो 100% मेरा कमिटमेंट है कि आपकी अपलाइन आपको कामयाब कर सकती है। और आप लोगों ने मान लिया कि नहीं कामयाब होना, तो आपकी अपलाइन क्या कंपनी का भगवान भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। आप भी जीवन में कमा सकते हैं, सिर्फ जरूरत है अपने आप को जगाने की। जरूरत है 30 days, 6 months काम करने की। काफी लोग काम तो करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, 6 महीने लगातार मेहनत करने से कई पीढ़ियों का भविष्य बदलता हो तो कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? Yes. लेकिन प्रॉब्लम यही पे आती है कि हम 5 दिन, 7 दिन एक्टिव रहते हैं और बचे हुए 22, 23, 25 दिन वही जो पारस ने 3-4 बातें बताई थी वही करते रहते हैं। नींव रखी जा चुकी है, नींव में टाइम लगता है, नींव को फिल करने में टाइम लगता है, बेस को बनाने में टाइम लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है एलेक्स के लिए और आप झारखंड के लिए और हम सब के लिए अच्छी बात यह है कि 18 से 19 महीने में पूरे हिंदुस्तान में हमने नींव रख दी है। अब हमें सिर्फ मंजिल बनानी है, सिर्फ मैं अपने अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, अपने साथी को अपने हाथों में खड़ा कर लेता है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में काम करके आप अच्छा अच्छे से EGM में एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। जरूरत है बस अपने आप को पहचानने की, अपनी ताकत को जगाने की, अपने ठानने की। झारखंड से पैदा हुए, आज विराट कोहली अगर इंडियन क्रिकेट टीम में है, अगर उनको बांग्लादेश का बना दिया जाए तो इतने मैच नहीं जीत सकते माहौल, क्योंकि एक विनर टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं तो हमेशा जीतता देखते, हमेशा जीतने के प्रयास रहते हैं। और एक खराब टीम के साथ आप जुड़ जाते हैं तो आप सोचते हैं एक आध मैच भी जीत जाए तो इज्जत बन जाए, एक आध मैच भी जीत जाए तो इज्जत बन जाए। तो आज अगर इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर आता है तो उस माहौल की वजह से वो एक अच्छी बैटिंग कर पा रहा, अगर उसी प्लेयर को किसी ऐसी बहुत ही हल्की टीम में डाल दिया जाए तो वो उस माहौल में देख के वो खुद भी वैसा ही हो जाएगा।